हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कन्वर्ट करने वाले हैं एक मेंस पैंट को नी लेंथ शॉर्ट्स में। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक ओल्ड पैंट, ये काफ़ी यूज़ हो चुका है तो अब इसे कोई नहीं पहनने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके साइड्स की सिलाई को खोल देंगे। इस पैंट में पहले से ही पॉकेट्स हैं तो मैं इन्हें रहने दूंगी, इससे हमें अलग से पॉकेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने दोनों साइड्स की सिलाई को खोल दिया है। अब आगे के पीसेस को इस तरह से कट करके अलग कर लें। मैंने फ्रंट पीसेस को काट लिया है। अब इन दोनों पीसेस को इस तरह से रखें। अब मैं इसकी लेंथ मार्क कर लूँगी जो है 22 इंच, और अब इसे कट कर दें। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर दें। यहाँ पर आप अपने कमर की मार्किंग करें और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें सीम अलाउंस के लिए। क्रॉच एरिया के लिए मैं यहाँ पे 11 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पर मार्क करें 2.5 इंच पर। अब यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दें। इसके बाद यहाँ पर एक कर्व लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह। अब हम नीचे के हिस्से की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर इसके मिडिल पॉइंट पर मार्क करें। अब इसके दोनों तरफ मैं 4 इंच पर मार्क कर रही हूँ, ये होगी इसकी चौड़ाई। अब इन दोनों पॉइंट से इस तरह से तिरछी लाइन खींच दें और अब इसे कट कर दें। अब हम बैक पीसेस की कटिंग करेंगे।
तो इसके लिए जो हमारा बैक वाला पीस है उसे इस तरह से फोल्ड करें। अब फ्रंट पीस को इसके ऊपर इस तरह से रखें और इसे ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम 13 इंच पर मार्क करेंगे। बैक पीस के क्रॉच एरिया को हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन खींच दें और यहाँ पर इस तरह से एक कर्व लाइन ड्रॉ कर दें। वैसे तो हमें यहाँ पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है और इस तरह से शेप बनानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर फैब्रिक की कमी है इसलिए मैं इसी से काम चला रही हूँ। पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप इस तरह से शेप बनाएं और फिर इसे कट करें। अब यहाँ पर दोनों तरफ हाफ या एक इंच तक एक्स्ट्रा लें और इस तरह से मिला दें। और अब इसे कट कर दें। यहाँ पर फैब्रिक थोड़ी ज़्यादा तिरछी हो गई थी इसलिए मैंने थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है। अब यहाँ पर वेस्ट बैंड के लिए मैंने फैब्रिक कट किया है। इसकी चौड़ाई है 3 इंच। अभी जो हमारे फ्रंट पीसेज हैं इसके क्रॉच एरिया को इस तरह से रखकर स्टिच कर दें। सेम तरीके से बैक पीस को भी स्टिच कर दें। पॉकेट के पास यहाँ पर फैब्रिक थोड़ी सी फोल्ड करके स्टिच की गई है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा कट लगा रही हूँ ताकि ये सीधा हो जाए और हमें स्टिच करने में आसानी हो। सेम तरीके से दूसरे साइड में भी कट लगा देंगे। अब फ्रंट पीस के वेस्ट बैंड को इस तरह से अटैच कर दें। सेम तरीके से बैक पीस में भी वेस्ट बैंड को अटैच कर दें। अब हम बैक के वेस्ट बैंड में इलास्टिक डाल देंगे। इलास्टिक को डालने के बाद दोनों तरफ इलास्टिक को पकड़ के स्टिच लगा दें ताकि वो अंदर ना जाए। अब बैक पीस को फ्रंट पीस के ऊपर इस तरह से रखें और दोनों साइड्स को स्टिच कर दें। तो जैसे कि यहाँ पे हमारी पॉकेट है तो यहाँ पे हमें थोड़ी ध्यान से सिलाई लगानी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि आप पॉकेट को ही स्टिच कर दें। इसलिए यहाँ पर जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें सिर्फ वहीं पर सिलाई लगानी है बहुत ही ध्यान से। तो
मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और अब ये हमारी साइड से स्टिच हो चुकी है। तो जैसा हमने वेस्ट बैंड को अटैच किया था वैसे ही मैंने नीचे भी फैब्रिक को अटैच किया है। आप अगर चाहो तो कर सकते हो और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ऐसे भी फोल्ड करके उसे स्टिच कर सकते हो। अब बस आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है और ये बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को भी हिट करें ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।